डिप्रेशन का इलाज बिना दवाई का कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं बोलते नहीं मुझे निराशा है, डिप्रेशन है, मगर इतना नहीं है, मैं सहन कर सकता हूँ, मगर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उत्पादन क्षमता काम में उतनी एनर्जी नहीं है, उठने में तकलीफ होती है, हलचल कम हो जाती है, निराशा है, इच्छा नहीं है, मतलब इम्पैक्ट तो कर रहा है डिप्रेशन, मगर उतना नहीं कि मैंने दवा लेना चाहिए। या कुछ लोग तो एकदम दवाई के खिलाफ होते हैं, बोलते नहीं काउंसिलिंग करो, तो उनके लिए आज ये खास मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिप्रेशन जो है ये ऐसा अभी स्टैटिस्टिक से बताता है कि 10 से 25 लोगों को, 100 में से 10 से 25 लोगों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। 5% लोग, 100 में 5 लोग तो एंटी डिप्रेशंस की दवाई खा रहे हैं ऑलरेडी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन है। रोज का तान तनाव, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अनबन, रिश्ते में दूरी, व्यापार व्यवसाय में बहुत तकलीफ, जॉब में तकलीफ, फेल्योर आना, रिश्ते टूट जाना, काफ़ी सारी बातें हैं कि जिससे डिप्रेशन आ जाता है। तो इसको ठीक कैसे करना, तो इसमें हम जो वापर करते हैं तो हिप्नोथेरेपी का करते हैं, CBT का करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी। लोग पूछते हैं CBT क्या है, तो इसके बाद बता रहा हूँ अभी मैं। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है ना, तो कॉग्निटिव मतलब एक विचार, कॉग्निशन, बिहेवियर मतलब व्यवहार, और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। तो विचार व्यवहार का उपचार, यह है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई आपको क्या होता है, बोले ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। हम तो बोलते हैं कि भाई वो ATM है अपना दिमाग, ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी, बार 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 वही 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 थॉट आते हैं। सबको आते हैं, वैसा प्रॉब्लम नहीं है, मगर डिप्रेशन का जो पेशेंट, उसको बहुत ज़्यादा बहुत बार थॉट्स आते रहते हैं। और होता क्या है कि वो चक्रव्यूह में फंस जाता है, नेगेटिव थॉट्स के चक्रव्यूह में अटक जाता है, और फिर उसको वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर डाउन 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 हो जाएगा। तो फिर हम उसको पूछते हैं कि भाई ये बताओ, ये आपको नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? CBT में तो ये होता है ना कि भाई शुरुआत कहाँ से हुई, एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है, ऐसी कौन सी घटना हुई कि जहाँ से शुरुआत हो गई, क्या ख्याल में आ रहा है ये देखो? तो बोलता है हाँ थोड़ा ख्याल में आ रहा है कि मैं जब घर में गया, थोड़ा लेट गया था, पत्नी ने मुझे वेलकम नहीं किया, उल्टा कंप्लेन किया कि आप बहुत लेट होते हो, खाना पड़ा है खा लो, और वो जाके सो गई, उसने मुझे निगलेक्ट किया। मैं तो ऑफिस से ओवर टाइम करके आ रहा था, मैं तो अल्टीमेटली फैमिली के लिए ही काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, और इनको कोई मेरी कदर नहीं है। तो पहला थॉट आ गया कि उसने मुझे निगलेक्ट किया, नंबर दो इसको मेरी कदर नहीं है, इसको ही नहीं बाकी घर वालों को भी मेरी कदर नहीं है, आजकल मुझे वो टालते रहते हैं, आजकल मेरे तरफ वो ख्याल देते नहीं हैं, इनको क्या लगता है कि मेरी ज़रूरत है क्या? चलो कंटिन्यूस एक के पीछे एक चालू, फिर ये चालू है, फिर दूसरे दिन भी ऐसा कुछ तो भी हो जाता है, और फिर खुद लगता है कि देखो आज भी उसने ऐसे ही किया। मैंने बताया था कि भाई गोभी आलू की सब्जी बनाए, इसमें जानबूझ के बनाए, उसको मालूम था कि मुझे अच्छी लगती है, मगर उसने बैंगन की सब्जी बना दिया, ये तो ऐसे ही करती रहती है, मुझे जो चाहिए वो देती नहीं है, ये तो नहीं बाकी सब लोग भी ऐसे ही करना चालू कर देते हैं। चलो ऑफिस में आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफिस में भी मेरा जो बॉस है जानबूझकर मुझे ज़्यादा काम दे रहा है, मेरा काम तो उसको पसंद ही आता नहीं। ये जब विचार वो बोलते रहता है, हम बोलते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई देख, ले हाँ उसने मुझे, शुरुआत ऐसी होगी कि पत्नी ने मुझे दरवाज़ा खोल के बोला कि तुम लेट हो गए, खाना पड़ा है खा लो, उसने आपका, उसने तो उसको जो बोलना था बोल दिया, आपने क्या मतलब निकाला? आपने मतलब निकाला कि वो मुझे निगलेक्ट कर रही है, क्या और मतलब निकाल सकते थे इसका? ये तो मतलब है ना कि उसने मुझे निगलेक्ट किया,
ये तो मतलब है, तो क्या और मतलब निकल सकते हैं? तो हाँ और निकल सकते हैं। कौन से निकल सकते हैं? हाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो थक गई होंगी, वो बीमार होंगी, उसको भी सिर दर्द हुआ होगा, इसलिए उसने वो खाना बोला कि भाई तुम खा लो। अच्छा इसमें अच्छा क्या हो सकता है? नहीं उसने अच्छा ये भी हो सकता है कि उसने कम से कम मेरी केयर किया, खाना तैयार करके रखा था, ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं था भाई, ऐसा भी नहीं था। तो फिर ये जब आप अर्थ निकाल रहे हैं कि भाई वो भी बीमार हो सकती है, उसको भी शायद हेडेक हो रहा होगा, इसलिए उसने मतलब हम पूछते उसको कि भाई आपने जो एक्सप्लेनेशन निकाला, आपने जो मीनिंग निकाला कि मुझे निगलेक्ट करे, अल्टरनेटिव मीनिंग ये भी हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब होंगी करके वो बोल रहे हैं कि खाना खा लो, ये भी हो सकता है मीनिंग। और प्रॉब्लम तो नहीं है फिर, आपको जो इतना खराब फील हो रहा है जो पहले मीनिंग से था, जो आप सेकंड मीनिंग निकालते तो हाँ सेकंड मीनिंग में निकालता था कि शायद इसकी तबीयत खराब नहीं है, नहीं तो ऐसा तो करती नहीं है ये, ऐसा मीनिंग निकालता मैं कि इसकी शायद तबीयत खराब नहीं है, तो मैं खाना खा के उसको भी पूछता था कि तेरी तबीयत कैसी है, ठीक तो है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ऐसा मैं पूछता था तो उसको भी अच्छा लगता था कि चलो अपनी केयर कर रहे। अभी इसमें उल्टा क्या हुआ कि तुमने तो तनफन तनफन करके खाना खाया और उससे बात भी नहीं किया कि तू मेरी केयर नहीं कर रही। ये जब पेशेंट को एकदम क्लियर हो जाता है तो उसको लगता है कि हाँ यार मैं तो ऐसे एक के पीछे एक ऐसे थॉट्स तैयार करते जा रहा हूँ और डिप्रेशन में अटकते जा रहा हूँ। तो इस तरह की एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, सीटिंग्स होते हैं, सीटिंग में उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है और उससे उसको काफ़ी राहत मिलती है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया बहुत ज़्यादा तो दवाई देना अच्छा ही है कभी भी, क्योंकि दवाई से जल्दी अच्छा हो सकता है। दवाई से क्या होता है, एंटी डिप्रेशन से सेरोटोनिन डोपामिन लेवल फटाक से ठीक हो जाती है एक 8-10 दिन के बीच में और उसको अच्छा लगने लगता है। मगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं है और फिर डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में कुछ लोग ऐसे रहते हैं नहीं हमको होना ही नहीं, उनको तो CBT देते हैं और उसके साथ साथ भी हिप्नोथेरेपी जो है जिसमें हम सकारात्मक सूचनाएँ देते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, विजुअलाइज करने लगाते हैं, तस्वीर बनाने लगाते हैं, एनर्जी फील करो ऐसा बोलते हैं, इमेजिनेशन करने लगाते हैं, तो उससे भी डिप्रेशन अच्छा हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।